शीजा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। आखिर वो तुम्हारा शौहर है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी अकेली औरत ही क्यों उठाया? कुछ फराइज शौहरों के भी होते हैं। ये बात सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है बेटा, लेकिन जो हकीकत है उसको न तुम झुठला सकते हो न मैं। देखिए आंटी, हमें इसे झुठलाना नहीं है बल्कि बदलना है इस हकीकत को। देखिए आंटी, अगर बिलाल को ये लगता है कि आप पहले की तरह इससे जबरदस्ती करके इसे अपने घर भेज देंगे तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा। आंटी, आप मुझे अगर बेटा कह रही हैं तो तसल्ली रखें, आपका बेटा और इसका भाई होने के नाते मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो करूंगा। बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक शिजा अपने घर नहीं जाएगी। ठीक है। काफी मुतमईन लग रही हो कल से। बाबा जानते हैं तुम्हारे बारे में। और नवीन? उसे अभी तक नहीं बताया उन्होंने, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को नवीन की हद तक महफूज रखो। हदें प्यार में नहीं चलती, ना दिल मांगता है। थोड़ा प्यार से मेरी तरफ देख लो, शायद मेरा दिन ही स्पेशल हो जाए। भूल गई, आज मेरा बर्थडे है। दिन उनके याद रहते हैं जो लोग खास होते हैं आपके लिए, और तुम बहुत पहले ही आम हो गए थे, इसलिए अपना ये स्पेशल दिन अपनी बीवी के साथ जाके सेलिब्रेट करो।